फोटो पीरियोडिज्म। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। तो फोटो मतलब लाइट, पीरियडिज्म का मतलब है अलग अलग टाइम होना उसका। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग लाइट के प्रति अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट रिक्वायर ए पीरियडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो लाइट की क्यों जरूरत होती है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस तो करता ही है। साथ में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावरिंग को जो इंड्यूस किया जाता है वो लाइट की एक्सपोजर के ऊपर, उनका टाइम होता है एक्सपोजर का, कितने टाइम तक वो लाइट के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी बेस पे हम प्लांट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप उनके। जैसे लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, ये वो प्लांट होते हैं जिनकी फ्लावरिंग के लिए उनको लंबे टाइम तक लाइट के अंदर एक्सपोजर करना पड़ता है। और ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, मतलब एक अच्छा खासा उनको टाइम देना पड़ता है लाइट के अंदर। शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मस्ट बी एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन इट्स क्रिटिकल ड्यूरेशन। एक क्रिटिकल ड्यूरेशन ऐसी ड्यूरेशन होती है जो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण ड्यूरेशन, मतलब एक महत्वपूर्ण लेवल होता है। और उस लेवल से तो यदि उसको कम भी यदि लाइट मिलती है तो भी ये क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई कोरिलेशन नहीं पाया जाता है एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावर रिस्पॉन्स। तो ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा यदि लाइट नहीं भी मिलती है तो ये नॉर्मल अपना क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग इनके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। फ्लावरिंग डिपेंड नॉट ओनली ऑन ए कम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डायरेक्ट एक्सपोजर बट ऑल्सो दियर रिलेटिव ड्यूरेशन। तो इनमें जो लाइट है उस लाइट या डार्क कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनका जो ड्यूरेशन है, वह कितनी देर डार्क कंडीशन है कितनी देर लाइट कंडीशन है उसके ऊपर भी फ्लावरिंग है वो डिपेंड करती हैं। शूट एपिक्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग एपिक्स प्रायर टू फ्लावरिंग। तो हमको ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के अंदर, जो फ्लावर को बनाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो ये मॉडिफाई शूट होता है, शूट से ही बनता है और इसका काम रिप्रोडक्शन का ही होता है, और उससे पहले एक बड के फॉर्म में निकलता है शूट से। हाइपोथीसिस, एक थियरी क्या कहती है, हार्मोनल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिक्स। तो कुछ हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फ्लावर पैदा करवाते हैं, और वो शूट एपिक्स से किनके अंदर आते हैं, जो लीव्स से शूट एपिक्स की तरफ जाते हैं। लीव्स के पास ही कुछ फ्लावरिंग हार्मोन वगैरह या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको शूट एपिक्स का मतलब है शूट के ऊपरले भाग में जहाँ पे वो मेरिस्टमेटिक रीजन रहता है उस भाग में भेजा जाता है और वो वहाँ पे फ्लावर बनाते हैं। फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। तो ये फ्लावरिंग तभी प्रोड्यूस करते हैं जब प्लांट को एक नॉर्मल जो उसका इंडक्टिव फोटो पीरियड है उसमें उसको एक्सपोज किया जाता है। तो हम पिक से समझ सकते हैं, जैसे ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, तो यदि शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, यदि क्रिटिकल फोटो पीरियड से उनको कम लाइट मिलेगी तो वो फिर भी फ्लावरिंग कर देते हैं, जबकि जो क्रिटिकल फोटो पीरियड यहाँ पे ही ये लाइन शो कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, यदि उनको एक्सपोजर दिया जाता है लंबे टाइम तक तो तभी वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये लाइन है, इस लाइन से ज़्यादा उनको क्या किया जाता है, जो लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है। और डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, जिनको हम कम लाइट दें उस टाइम भी फ्लावरिंग हो सकती है, और ज़्यादा लाइट दें तब भी, तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसका। उसके बाद है वनरलाइजेशन। तो ये क्या होता है, फिनोमिना, वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर का फैक्टर आ जाता है जिसके अंदर फ्लावरिंग के लिए टेम्परेचर का लो होना जरूरी हो जाता है। प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, तो इसमें जो फ्लावर बनने हैं तो वो लो टेम्परेचर के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं। प्रिवेंट प्रीसियस प्रीकोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन एंड अनेबल्स द प्लांट टू हैव सुफिशियंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। तो ये जो ग्रोइंग सीजन होता है उसके लेट टाइम में, लेट वाली स्टेज में ही क्या करता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उसको करवाता है, ताकि जो प्लांट है उसको सुफिशियंट टाइम मिल जाता है किसके लिए, मैच्योरिटी गेन करने के लिए। तो इसमें अर्ली मैच्योरिटी फ्लावर नहीं होते हैं, इसमें बिल्कुल पहले फ्लावर जो प्लांट है मैच्योर होएगा तभी वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। टू काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ फूड प्लांट्स, जैसे वीट, बार्ले, राई, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी, दो प्रकार की हम फूड प्लांट्स हैं उनको उगाते हैं।
स्प्रिंग वैरायटी क्या होती है? प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड ग्रो कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। तो ये क्या करते हैं, स्प्रिंग ऋतु में इनको, वसंत ऋतु में इनको उगाया जाता है, मतलब लगाया जाता है खेतों में, और उसके बाद इनके फ्लावर आ जाते हैं। लेकिन जो ग्रेन्स हैं, फ्लावर तो पहले ही आ जाते हैं लेकिन एक सस्पेंडेड ग्रोथ में चले जाते हैं, जिसमें जो ग्रेन है वो ये ग्रोइंग सीजन के एंड में जाके पैदा करते हैं। उसके बाद है विंटर वैरायटी। विंटर वैरायटी में जो प्लांट हैं उनको स्प्रिंग में प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है, और नॉर्मली फेल टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन्स विद इन ए स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। जो इनका फ्लावरिंग सीजन होता है उसमें ये ना तो अच्छे ढंग से फ्लावर प्रोड्यूस कर पाते हैं और ना ये ग्रेन है उनको पैदा कर पाते हैं, और जिसकी वजह से इनको जो ऑटोमन है पतझड़ ऋतु में उगाया जाता है, और उसमें क्या करते हैं, जर्मिनेट एंड ओवर विंटर ये उग जाते हैं, और पूरे विंटर में जो ये प्लांट है वो एक स्मॉल सीडलिंग के रूप में रहते हैं। इनकी ग्रोथ है रुक जाती है और अपनी जो ग्रोथ है उसको ये रिज्यूम मतलब दोबारा शुरू कर लेते हैं स्प्रिंग के अंदर, एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। तो गर्मियों के जो मिड समर होते हैं, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसके मध्य में इनको फिर हार्वेस्ट, इनको कटाई की जाती है। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब एक ही टाइम में ये फ्रूट्स वगैरह देते हैं, फ्लावर वगैरह एक ही टाइम, इनकी लाइफ स्पैन में एक ही टाइम फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या करेंगे फिर अगले सीजन में इनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे शुगर बीट है, जो शुगर बीट है, कैपेज है, कैरेट है, तो ये कॉमन बाइनियल प्लांट्स में आ जाते हैं। सब्जेक्टिंग ग्रोइंग टू ए कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स ए सब्सिक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। तो यदि इनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये क्या कर देते हैं, जो इनके अंदर फोटोपीरियोडिक मोमेंट है उसके साथ में यदि फोटोपीरियोडिक मोमेंट भी हो, लाइट भी दी जाए इनको, और साथ में कोल्ड ट्रीटमेंट यदि ठंडा भी किया जाए, तो इससे जो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स है वो इनसे रिड्यूस करवाया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं जो जो टेम्परेचर है वो कैसे काम करता है फ्लावरिंग के टाइम। जैसे 23 डिग्री सेल्सियस है 2 वीक तक, उसके बाद वनरलाइजेशन आ जाती है 5 से -1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जब चला जाता है, और उसके बाद जो फ्लावरिंग है वो 23 डिग्री, जो जब इनको उगाया जाता है 2 वीक तक, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं मतलब सीडलिंग के रूप में निकल आते हैं। उसके बाद जो 15 दिन 20 दिन उस टाइम तक एक ऐसा जो कोल्ड कंडीशन होती है उस केस में इनके पास कोई फ्लावरिंग नहीं रहेगी, जैसे कि ये सरसों का प्लांट दिखा रखे है मस्टर्ड का। और उसके बाद 35 दिन से आगे का जो टाइम रहेगा इनका, जब टेम्परेचर अच्छा चला जाता है तो 23 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में इनकी फ्लावरिंग आती है। तो जो ग्रोइंग सीजन का जो एंड हो जाता है उस केस में ही ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं, और फ्लावरिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस की जाती है, इस वनरलाइजेशन इवेंट की वजह से। उसके बाद है सीड डोरमेंसी। सर्टेन सीड फेल टू जर्मिनेट इवन इन फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन। तो सीड डोरमेंसी क्या होती है, कई बार यदि हम फ्लावर इसको सीड को अच्छी खासी नॉर्मल कंडीशन भी दें तो उस केस में भी ये ग्रो नहीं कर पाता है, फेल करने में मतलब जर्मिनेट करने में फेल हो जाता है। तो ये एक ऐसे पीरियड में चला जाता है जिसको डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं, और जिसको केवल एक्सटर्नल फैक्टर ही कंट्रोल नहीं करते बल्कि कुछ अलग कारण भी होते हैं जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी होती है। तो वो कारण क्या है, इनका जो सीड कोट होता है वो बड़ा मजबूत होता है, और इम्परमिएबल का मतलब वो वाटर वगैरह को अंदर मूव नहीं करने देता, और अंदर से यदि कोई जो इम्ब्रियो है वो बाहर भी निकलना चाहे तो वो निकलता नहीं है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, विनोलिक एसिड और पैरा एस्पोर्बिक एसिड। तो इन कई बार इन सब्सटेंस की वजह से, केमिकल इनहिबिटर हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करके रखते हैं, इनकी वजह से भी जो सीड डोरमेंसी है वो शो की जाती है। इमैच्योर इम्ब्रियो, कई बार इनका जो इम्ब्रियो है वो ठीक ढंग से मैच्योर नहीं हो पाता है, और वो जब तक मैच्योर नहीं हो पाएगा तब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं, चाहे आप इनको किसी भी प्रकार की फेवरेबल कंडीशन है वो दे दें चाहे। उसके बाद है जो सीड डोरमेंसी है उससे निपटने के लिए क्या क्या विधियां हम अपना सकते हैं। सीड कोट बैरियर ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रिएशन एब्रेशंस यूजिंग नाइफ्स, सैंड पेपर एक्सेट्रा और विगरस शेकिंग। तो जो सीड कोट है जिसके बोल रहे हैं कि ज़्यादा सीड कोट मजबूत होता है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं मैकेनिकल एब्रेशंस का यूज करके। मैकेनिकल का मतलब जैसे चाकू से काट के, सैंड पेपर क्या होता है जो कि जो जंग वगैरह उतारने के लिए यूज किया जाता है, लोहे के पेपर जो जंग लग जाती है, या फिर उनको वीगरस का मतलब बहुत तेज सेकिंग करके भी हम उसका जो सैंड पेपर है वो जो सीड कोट है वो हटा सकते हैं। नेचर के अंदर जो ये एब्रेशंस हैं
वो किसके द्वारा किए जाते हैं, या तो माइक्रोबियल एक्शन होता है, जैसे इनके सीड कोट के ऊपर जो अलग अलग माइक्रोब्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे सीड कोट को जैसे ही हटाएंगे तो मिट्टी के साथ जैसे ही जो उसके अंदर वाला एम्ब्रियो है वो मिट्टी के टच में आएगा तो ग्रो करना शुरू हो जाता है। या फिर जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स या फिर एनिमल्स जब इन सीड को खाते हैं तो जब पेट के अंदर जाता है, ये गट के अंदर जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो एसिड है वो सीड कोट को ख़त्म कर देते हैं, और जैसे ही जो एम्ब्रियो है वो उनके जो एनस से बाहर निकलता है तो उसी टाइम वो जहाँ भी गिरेगा वहाँ से ग्रोथ कर लेता है। जैसे हमने देखा है जो पीपल वगैरह के पेड़ हैं, कई बार जो ये दीवारों पे उग जाते हैं, तो दीवारों पे किस चीज़ की वजह से है, जो कि एक्सक्रीटा होता है बर्ड्स का, उसमें ये सीड हैं वो रहते हैं, और वो जहाँ पे भी एक्सक्रीटा वगैरह फेंकेंगे, जहाँ भी एक्सक्रीटा वगैरह छोड़ेंगे तो वहाँ पे वो जो प्लांट है वो उगते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू चिलिंग कंडीशन, तो जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है उनको कम किस बेस पे हम कर सकते हैं, यदि सीड को हम चील्ड कर दें बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे उनको रखें, और बाय यूजिंग जिबरलिक एसिड एंड नाइट्रेट, और यदि जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट करवाएं या फिर नाइट्रेट उनके अंदर मिक्स करें, तो उससे भी जो हम सी डोरमेंसियस को दूर कर सकते हैं। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, बदलते हुए वातावरण की कंडीशंस हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, तो ये भी कुछ ऐसी मेथड होती हैं जो कि सी डोरमेंसी को हम दूर कर सकते हैं। मतलब ये लाइट और टेम्परेचर है उनको बदल बदल के यूज किया जाता है, और जिससे जो सी डोरमेंसी है उसे हम निपटा सकते हैं, मतलब उसको दूर कर सकते हैं।